Hey guys, welcome back to the channel. I know मैं दो हफ्ते से वीडियो नहीं डाला है. मुझे बहुत सारे DMs आए, बहुत सारे लोग पूछ रहे क्यों नहीं वीडियो डाल रहा हूँ, क्यों नहीं वीडियो डाल रहा हूँ. वो तो दिख ही गया रहेगा क्यों नहीं डाल रहा हूँ. मेरे हाथ में एक माइनर फ्रैक्चर आया, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बाइक नहीं चला पा रहा था. अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई और वीडियो में विस्तार में बात करेंगे. बट दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे तुम लोगों को, उसमें कई गुना ज़्यादा बुरे लोग रहते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं रहता है, बस दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करो. मेरा बात मानो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, पैसे कमाने, ये सब चीज़ों को इग्नोर करो. सोचो मैं जब ये चीज़ बोल रहा हूँ मेरे साथ ही ये हादसा हुआ, बट मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते नहीं है, हर दिन अच्छे नहीं होते, बुरे दिन भी आते हैं. तो आई कंसिडर दिस एज अ बैड डे. बट मेरे को दुख एक ही बात का है कि जिस दिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ सैटरडे नाइट को, नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग को मेरा दो शूट था. मुझे KTM की तरफ से एक इनविटेशन आया था राइड के लिए, तो उनके साथ मुझे राइड करने का था, वो तो मिस हो गया. बट उसके साथ साथ मेरे एक सब्सक्राइबर का बाइक का डिलीवरी था, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, तो उसके लिए भी मुझे जाने का था, बट वो भी मैं मिस किया. सो आज का प्लान शॉर्ट एंड सिंपल है. मैं जा रहा हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर व्यूअर जो भी बोलो उनसे मिलने के लिए, उनसे उनका बाइक देखने के लिए. एंड उसमें उन्होंने बहुत सारा एसेसरीज लगाया जो कि मुझे मेरे बाइक में भी लगाना है. अभी इससे तुम लोगों को पता चल ही गया रहेगा कि उन्होंने भी सेम बाइक लिया है, KTM एडवेंचर. उनके और मेरे बाइक में एक बहुत छोटा सा चेंज है जो कि मुझे कितना अफेक्ट करेगा वो उधर जाके मेरे को पता चलेगा. बट मैंने जब मेरा बाइक लिया उसके कुछ एक दो हफ्ते के बाद ये नया वाला मॉडल रिलीज हुआ KTM की तरफ से, तो जाके चेकआउट करते हैं कि उनका बाइक कैसा है. चल ब्रिज खत्म होते मैं दिख जाऊंगा. ठीक है, ओके, ठीक है, पहुंच जाओ. हाँ अरे यार इतना ट्रैफिक. ओके गाइस, हम लोग घर से निकल गए. मैं एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के घर पे था. मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ वो लोग एक्चुअली आगे निकल गए, क्योंकि ये है ना मेरा दोस्त नाला है, किधर गया ये, वो आते आते बहुत ज़्यादा लेट कर दिया. तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग आगे चले जाओ, हम लोग पीछे से आ जाएंगे. ये देखो मोटो ब्लॉगर, न्यू मोटो ब्लॉगर इन द हाउस. ये नाला एक बंदा इतना लेट आया ना, मैं बेचारे वो लोग मेरे लिए कब से वेट कर रहे इसके चक्कर में इतना एक दो घंटा डिले हो गया. ऑब्वियसली मैं किधर राइड पे जाऊंगा तो मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा. नॉर्मली मेरे साथ लरिन तो रहती है, बट आज बेचारी वो बिजी है करके वो नहीं आ पाई. मेरा हाथ दर्द तो हो रहा है धीरे धीरे, बट क्या अभी क्या कर सकते हैं. तो हम लोग किधर जा रहे हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. हम लोग शायद कोई तो एक बीच में या लेक में जा रहे हैं, मेरे को वो भी बराबर नहीं पता, मेरे को मैप डालना पड़ेगा. अभी इसको फ्यूल भी डालना है. कैसा रे तू बेचारा, मेरा सब्सक्राइबर मेरे को अनसब्सक्राइब नहीं करना चाहिए इस वजह से. ये देखो कैसा अंदर बात कर रहा हो, माइक लगाया शायद. अरे अरे मेरे को पता नहीं, मैं खुद व्लॉगिंग करता हूँ ना, मेरे को कोई और करता है तो बहुत फनी लगता है. गाइस बाइक चेक करो, गाइस ये देखो वो देखो. हाँ आगे से यूज दिखता है पता है मेरे को. हाँ मैंने ये सब मैंने लगाया ये. यार आज ये रास्ते पे इतना ट्रैफिक क्यों है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा. और गाइस मैंने ग्लव्स भी डाल दिया है दोनों हाथों पे. मेरा हाथ इतना दुख रहा है ना. हाँ हाँ चढ़ा दे, ऊपर ही चढ़ा दे. किधर गया अपना मोटो व्लॉगर. अरे यार ये सैमसंग. मेरे को है ना प्रॉपरली इधर ही माउंट लगाना पड़ेगा. ओह शिट, इतना गंदा विंड ब्लास्ट आ रहा है ना गाइस, मेरा बाइक को लेफ्ट में धक्का दे दिया हवा ने. ओह शिट, मेरा बाइक लिटरली हिल रहा है. शिट क्या विंड ब्लास्ट आ रहा है, बाइक लेफ्ट में जा रहा है. ओह माय गॉड. ओ शिट गाइस, अरे अरे शिट मेरी फट रही है, शिट बाइक हिल रहा है.
बाइक हिल रहा है विंड ब्लास्ट से, ओ शिट शिट शिट। वाह क्या ही रोड था, बस थोड़ा सा काउस में ध्यान देना पड़ा। मैं 100 में क्रूज़ नहीं, मतलब 80-90 में क्रूज़ कर रहा था। मेरा हाथ पहला थोड़ा टाइम है ना ऐसा रख के चला रहा था, बट है ना ये इसमें उतना ग्रिप नहीं मिल रहा मेरे को, तो जग मार के मेरे को ऐसा पकड़ के चलाना पड़ रहा है। क्या है ना कि मेरा थंब फ्रैक्चर हुआ है ना, तो ऐसा मूड नहीं रहा है वो, तो अपन बाइक चलाने के टाइम ऐसा पकड़ना ही पड़ता है ना, तो मुड़ा नहीं पा रहा हूँ, तो अभी तो मुड़ के ऐसा पकड़ा हुआ बट मेरे को पेन हो रहा है। ओके हम लोग ने लेफ्ट ले लिया है, वो लोग इधर ही किधर तो मिलेंगे। अरे हेलो कैसे हो। ओके गाइस हम लोग मिल गए, देखो कैसा क्या लग रहा है वो KTM, सेम बाइक के साथ राइड करना अलग ही मजा है ना। फूल आला क्या ही जगह है। ओ भाई फिर अब ब्रिज हिल रहा है। हिमालयन साहब क्या टर्न है ये, इसका है ना मैं मोड ऑफ रोड कर देता हूँ, ठीक है, और मोटरसाइकिल ABS भी ऑफ रोड, क्विक शिफ्टर ऑफ कर देता हूँ। सब निकल के अरे नहीं वो LNK से हो जाएगा, रुक मेरे को एक ये वाला, आई थिंक ये वाला साइज का है LNK। असली मोटो व्लॉगर है भाई तू, व्लॉग करते करते तू ये रिपेयर भी कर रहा है। ओके गाइस हम लोग इधर स्पॉट पे पहुंच गए, अभी क्या प्लान है ना हम लोग को थोड़ा सा और आगे जाना है, वो देखो उधर दिख रहा है क्या, उधर जाना है बट इधर से एक पैच है, अभी मुझे इधर चल के देखना पड़ेगा कि इधर से बाइक जाएगा कि नहीं, ठीक है। वो लोग दोनों के बाइक में गार्ड लगा है, मेरे बाइक में गार्ड लगा रहा था, मैं लेके भी चला आया था, बट एक बार चेक करना पड़ेगा कि बाइक जाएगा कि नहीं। गाइस दिख रहा है उधर से, मैं इधर से ऐसा चल के आ चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से गाड़ी तो आ जाएगा आराम से, बट सरफेस थोड़ा सा अनइवन तो है, बट ईजीली तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे को ट्राई तो करना है, बट मेरे को बाइक गिरने का डर है। ये देखो ये सरफेस थोड़ा सा अनइवन है, देखो बहुत अनइवन सरफेस है ये। ओके गाइस अभी ऐसा कुछ प्लान है कि हम लोग अल्टीमेट एडवेंचर करने वाले हैं, इधर से बाइक उधर तक लेके जाने वाले हैं। मैंने वॉक करके तो देखा इजीली जाएगा, तो ये लोग की तो फट रही है इधर लेके जाने में, तो पहला मैं लेके जाऊंगा बाइक, मेरा बस मेरा हाइट पहुंचता ना तो मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस तो रहता ही। इधर से ऐसा लाइसा ऐसा ले क्या नहीं नहीं उधर से उधर से चल आज तो हो ही जाए। अगर गाड़ी कर गिरता है तो छोड़ देना, ठीक है भाई, मेरे को गाड़ी गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गार्ड नहीं है ना वही सी है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे पास पानी है। ओ भाई ओ एक्सट्रीम ऑफ रोड, ओ ये मैं बोला ना इजीली निकल जाएगा ये, बस रोड थोड़ा सा अनइवन है ना,
अनइवन तो है बट सीन ऐसा है ना, रोड एकदम हार्ड है तो फिसलने का टेंशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आराम से तो सौरभ भी आ गया क्या? अरे एडवेंचर बाइक लिए यार, ये लोग क्या, ये लोग डरते हैं। एडवेंचर बाइक तो किधर भी घुस जाता है, किधर भी ले लेने का। इधर से हम बाइक लाके इधर रख दिए, ये लोग सबकी फट रही थी, मैं एकदम हिम्मत करके मेरा बाइक इधर लेके आया क्योंकि एडवेंचर बाइक है, किधर से भी घुस जाएगा वो। तो बस मेरे को एक ही चीज़ का डर था कि अगर इनकेस बाइक गिरा ना तो मेरे इसमें गार्ड नहीं लगा। ओके गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि मेरे बाइक और ये बाइक में क्या डिफरेंस है। कैसे चलो कैसे नहीं भाई। ओ भाई शिट, ये देख सीटेड एक्चुअली कम है ना। हाँ सीटेड एक्चुअली कम, बट उतना डिफरेंस है उसमें, मेरे को ऐसे टो में होता बट इसमें मेरा प्रॉपरली हो रहा है। इसमें थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को बैठ के। इस पर मैंने वो इंस्टा 360 माउंट कर दिया, उसकी भी क्लिप डालोगे मैं। क्या कर रहा है तू डेविन? क्या कर रहा है तू? यूट्यूबर बना नहीं है अभी, चालू करूंगा सौरभ मोरे व्लॉग्स। अभी सर्च मत करना, मिलेगा भी नहीं चैनल। कट कर दूंगा मैं, कट कर दूंगा। देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देखो, ये गार्ड के बारे में मैं बात कर रहा था, एंड मैंने पहले गार्ड ऑर्डर किया था वो सिर्फ इतना सा ही प्रोटेक्ट करता था, बट इसका देखो इधर पूरा इंजन पे प्रोटेक्शन है, एंड उसके साथ साथ इन्होंने रेडिएटर गार्ड भी लगाया है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, ये वाला बाइक थोड़ा सा नीचे लगे और मेरा बाइक थोड़ा सा ऊंचा है। मैं भी जब बैठ के देखा ना, उतना कुछ डिफरेंट नहीं लगा मेरे को। शायद हो सकता है कि सरफेस थोड़ा सा अनइवन है तो उसके वजह से मेरे को उतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, बट मैं ज़्यादा चेक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं लेने के बाद एक हफ्ते बाद ये वाला वेरियंट लॉन्च हो रहा है, तो मैं बाद में रिग्रेट करने लग जाऊँगा। और ये बाइक जिनका उनसे मैं मिलाता हूँ, ये देखो इनका नाम है यश। ये मेरा चैनल जब मेरा बाइक का डिलीवरी था तब देखा था ना, तब इन्होंने देखा था, उन्होंने उसके बाद इन्होंने मुझे डीएम किया था, बाद में हमने नंबर एक्सचेंज किया, अच्छा खासा बात हुआ। उसके बाद आज राइड पे भी आ गए तो काफ़ी फन था आज राइड करके। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक काइंड ऑफ राइडिंग का एक ग्रुप बना रहा हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है उनके लिए, जो भी मुंबई से देख रहे हो वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं अगर तुम लोग को मेरे साथ राइड के लिए ज्वाइन करना है। अभी क्या है ना कि लोग कम है ना, तो थोड़ा सा वो चीज़ एग्जीक्यूट करना ईजी हो जाएगा, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि नए नए लोगों से मिलना, उनके साथ राइड करना। तो तुम लोग मुझे डीएम करो, मैं एक राइडिंग ग्रुप बनाता हूँ, तो जब भी मैं राइड पर निकलूंगा ना तो हम सब एक साथ मिलके प्लान कर सकते हैं और एक साथ निकल सकते हैं। एंड जो लोग मुंबई से नहीं है उनके लिए क्या कर सकते हैं पता है? अगर सोचो तुम लोग पुणे में हो नहीं तो बैंगलोर में, तो हम क्या करेंगे, हम इधर मुंबई से पुणे नहीं तो बैंगलोर तक राइड करेंगे, उधर से आपको पिक करेंगे, मतलब आप आपके बाइक में रहोगे और उधर से आपको पिक करके हम कोई और डेस्टिनेशन में जाएंगे। क्या ही जगह था, कितना सुंदर लेक है, मस्त मस्त फोटो आ गया, हम लोग ने मस्त गप्पे मारे, बहुत मज़ा आया। हाँ मस्त राइड हो गया आज, कितने दिनों से मैं मिस कर रहा था ना मेरे बाइक को। ये जो आगे जो 390 जा रही है ना, आई डोंट थिंक कि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बट किधर ना किधर तो है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक का हाइट कम करना है ना, शॉर्ट हाइडर्स के लिए बनाना है ना, तो सीट को स्कूप्ड आउट बनाना पड़ेगा। उसका सस्पेंशन जब अपन कम करेंगे ना, तो मेरे को ऐसा पर्सनल लगता है कि इसका ट्रैवल कम हो जाता है, तो ऑफ रोड में हो सकता है कि वो लगेगा। हो गया इस बाइक तीनों इधर पार्क कर लिया है और हम लोग इधर छोटे से जगह पे रुके हैं। इधर हम लोग ने वड़ा पाव ऑर्डर किया है, बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग रही थी, और वापस आने के टाइम रोड इतना लंबा लग रहा था, ऐसा लग रहा था रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है क्योंकि भूख और प्यास इतना लगी थी ना। अभी थोड़ा रुके है, पानी पी रहे, वड़ा पाव बन रहा है, दो दो वड़ा पाव खाने वाले हैं, मस्त पेट भर के उसके बाद इधर से निकलने वाले। ओके गाइस, हम लोग उधर से निकल लिए, मस्त दो दो वड़ा पाव मैंने दबा के खा लिया और दो दो बॉटल पानी मैंने घटक लिया, इतना मेरे को प्यास लगा था, इतना भूख लगा था ना। सो अभी हम लोग वापस से घर पे जा रहे हैं। बेचारे सब लोग बड़े बड़े ट्रैफिक में अटके हुए, हम बाइक वाले इधर से निकल गए।
ओके गाइज, फाइनली घर पहुंच गया मैं। वो लास्ट थाने के उधर इतना ट्रैफिक था, शिट। ट्रैफिक ज़्यादा इसके लिए था क्योंकि है ना, ज़्यादा से गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रहे थे, और रॉन्ग साइड से आने के चक्कर में पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। तो इतना गंदा वाला ट्रैफिक था, मैं पूरा अटक गया था। तो सौरभ मेरे को कॉल करा था क्योंकि वो ऑलरेडी आगे पहुंच गया था। तो मैं कैसे ना कैसे तो उसका फ़ोन उठा, बोला कि भाई तू चला जा, मेरे को तो बहुत टाइम लगे। ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा मेरा उधर ही चला गया, इतना गर्म हो रहा था, बाइक हीट हो गया, शिट। बट स्टिल आज का राइड बहुत मज़ा आया, बहुत फन था मेरे को। बहुत वो बोलते इतना तलब मच गई थी ना राइड का, तो अभी मैं कंप्लीट किया ना तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतना टाइम बाइक राइड करने के बाद मेरा हाथ दर्द कर रहा है, बट दिल को तसल्ली मिल गया, वही काफ़ी है। एनीवेज गाइस, ये वीडियो को इधर ही एंड कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जो भी लोग मुझे DM किए वीडियो किधर है, काफ़ी लोगों का रिव्यू आया है कि अच्छा वीडियो बना रहे हो, तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।